So, सबसे पहले हम इनका cleanser use करेंगे और that is वो जो thick वाला liquidy milky cleanser है. Cleanser क्या करता है? आपकी जो चेहरे की ऊपरी सतह होती है, जो epidermis होती है, उस पे से आपकी simply जो है purify करता है, wash away करता है जो भी आपकी dirt वगैरह है, जो impurities पड़ी हैं, उसे simply आपने इसको wash off कर देना है with this cleanser. और ये हमेशा हम circular motion में करते हैं. किसी को idea है circular motion क्यों use करते हैं? स्किन को रिवाइव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, कोई और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है. और जो मैं सुनना चाह रही हूँ बेसिकली, छोटा सा है, स्किन बहुत मजे का, स्किन जो लटक जाती है वो उसको, वो तो अब वो मूवमेंट आपने कर ली ना जी. अच्छा, बेसिकली आपको पता है ना, हमारे मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, राउंड राउंड होते हैं, ठीक है, इरेगुलरली बट राउंड. So, जब आप उसको सर्कुलर मोशंस में करते हैं तो वो आप उन्हें उनके शिप शेप में ला रहे हैं, ठीक है. जब आप उस सेल्स को शिप शेप में ला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को रीजेनरेट कर रहे हैं कि वो ज्यादा देर पर अरसा गुजारे, लॉन्ग लास्टिंग हो, और क्या उसकी इलास्टिसिटी इन्हांस हो रही है. एक चीज है, आप जिस तरह इस्त्री करते हैं, ठीक है, तो आप उसकी क्रीज बना के इस्त्री करते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसके देखते हैं मार्जिन वगैरह, फिर क्रीज बनाते हैं आप, उसके फोल्ड्स की क्रीज बनाते हैं. सो ये क्रीज जो आप बना रहे हैं, आप क्या करें, उसकी एक जो शेप है उसे, उसी पर ही आप उसको एनहांस करें. सो दिस इज जस्ट लाइक कि आप इनकी जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं वो आप सेल्स की शेप में उसे रिवाइव और रीजेनरेट करें. सो बेसिकली ये आपका जो है बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो ये होना चाहिए. सो ये हम इसलिए करते हैं. हम लोग क्लेंजिंग नॉर्मली करते हैं लाइक 8 to 10 minutes भी आप क्लेंजिंग तक जा सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी है तो 4 to 5 minutes इज ऑल्सो इनफ. सो हम यहाँ क्विकली क्लेंज करेंगे 4 minutes में, और मे बी लेस देन दैट क्योंकि टाइम ज़रा थोड़ा कम है हमारे पास. कॉम्बिनेशन ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स नहीं, टी जोन इसी में कवर हो जाएगा, वो इतना ज्यादा ऑयली नहीं होगा कि उसे टी ट्री देना पड़े. टी ट्री आपका कॉम्बिनेशन से ऑयली स्किन पे जाता है. जैसे आप पैचेस ड्राई स्किन के कह रही है ना, वो पैचेस के लिए कभी भी आप टी ट्री पे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि वो जो सिर्फ ऑयल है वो आपकी टी जोन में फॉर द टाइम बिंग आया हुआ है. जब भी आप कोई फेशियल वगैरह लेंगे वो इस नॉर्मल ड्राई स्किन वाले फेशियल से या फिर नॉर्मल स्किन वाले फेशियल से वो आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको डुअल टोन नहीं करना स्किन को. उसको मैच आउट कर देगा. ये होता ना कि गर्मियों में तो टी जोन जो हो जाता है, लेकिन सर्दियों में वो साइड पे पैचेस बन जाते हैं. एग्जैक्टली, लेकिन आप उसे टी ट्री से, अगर आप उसे टी ट्री से करेंगे आपका यहाँ का तो कंट्रोल हो जाएगा. व्हाट अबाउट दिस स्किन, ये तो फट जाएगी ना. हाँ, तो आपने क्या करना है, कोई नॉमिनल मीडियम मीडियोकर जो न्यूट्रल वे है वो आपने फॉलो करना है. कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो ये ठीक है ना, कॉम्बिनेशन. हाँ, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कॉम्बिनेशन. और इवन आप ये ड्राई स्किन के लिए, इस पर लिखा हुआ भी है ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. हाँ, नॉर्मल टू ड्राई, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन. एलोवेरा का आपके पास फेशियल सेट नहीं मौजूद, ये आपका डोंट मिक्स इट अप विद द करंट रेगुलर रेंज. जो आपके पास टी ट्री है, अगर आप उसकी बात करें तो वो आप टी ट्री का, अगर उसके अंदर से कोई क्लेंजर खत्म हो जाता है तो आप दूसरा क्लेंजर यूज करके अपना सेट नहीं कंप्लीट कर सकते. Why? Because वो आपका रेगुलर डे वाला है, वो आपका माइल्ड है सोल्यूशन. ये आपका पार्लर वाला फेशियल वाला है, जो आपकी नॉर्मल नीड होती है बाय मंथली या आफ्टर 20 days या आफ्टर 1 month जो आप लेते हैं, ये वो वाला आपका फेशियल है. सो आप इसको इसके साथ मिक्सअप नहीं कर सकते. और ये एक फेशियल सेट जो आपका 33 to 35 फेशियल जो है वो नॉर्मली निकाल लेगा. और अभी तो आपके पास बहुत अच्छी प्राइस पर भी है, इसके अलावा अगस्त में ये और अच्छी प्राइस पर हो जाएगा 60% ऑफ पे, तो ऑलमोस्ट 1100 का बन रहा है आपके पास. सो आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं. बेसिकली ड्राई स्किन का मसला ये होता है कि वो बहुत डिहाइड्रेटेड सी लगती है. सो अब हमने मिल्की क्लेंजर जब इनके फेस पे यूज किया है तो इनकी स्किन हाइड्रेटेड लग रही है. आपको खुद सपलनेस, दूर से रिफ्रेश स्किन महसूस हो रही होगी, क्योंकि क्या हुआ है, इनकी जिल ने एब्जॉर्ब किया है क्लेंजर को. जबकि हम लोग जब ऑयली स्किन की बात करते हैं, टी ट्री वाली की, तो वो एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसे निकाल देता है, उसे एक्सेसिव ऑयल को रिमूव कर देता है, वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए वो सर्फेक्टेंट है, वो सरफेस पे रहेगा. बाल और स्किन रिलेटेड है, जिसके बाल
बाल ऑयली है उसे ग्रीसी हेयर का शैम्पू सूट करता है, तो उसको कौन सा रिकमेंड करना चाहिए? टी ट्री. और स्कैल्प जो है वैसे ड्राई स्किन वालों की भी सीजन में ऑयली हो जाती है, स्कैल्प क्यों होती है? वैसे वो ये कह रही थी टी जोन. हाँ टी जोन है, लेकिन शैम्पू जो मैंने उनको दिया नेटल एंड लेमन वाला. हाँ ठीक है, सो मैं वही बता रही हूँ. इस सीजन में जो है आपका ऑलमोस्ट जिनकी नॉर्मल स्किन भी है ना वो उनके बाल ग्रीसी हो रहे होते हैं. क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है. जब स्वेटिंग होती है तो आपकी जो सीबम जो ग्लैंड से वो ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और जो आपका जो एक्वा बेस है वो यहीं रह जाती है, आप उसे क्लेंस नहीं कर सकते. डैंड्रफ भी उससे प्रोड्यूस होती है और क्या होगा कि ये जब यहाँ रूट्स जो है आपकी जब उसके अंदर हर वक्त नमी रहेगी तो वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, तो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाते हैं. सो आपने क्या करना है कि अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखना है. आप लोग ग्रीसी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपके नीचे वाले जो बाल हैं वो ड्राई हो जाएंगे. सो उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए, उस शाइन को रिटेन करने के लिए आपने क्या करना है, मिल्क एंड हनी का हेयर मास्क यूज़ करना है और आपने यहाँ से इतने बाल छोड़ के यानी 4 इंच बाल जड़ों से यहाँ तक छोड़ के नीचे अप्लाई करने, इस तरह उंगलियों से इतने इतने स्ट्रैंड्स ले लें और इसे इस तरह अप्लाई करें. ओके, सो ये क्या करेगा कि आपने नेटल एंड लेमन से आपने अपना अपना स्कैल्प को क्लियर कर लिया, ऑयल ग्रीस को रिमूव कर दिया और नीचे क्या किया आपने, उसकी नरिश कर दिया बालों को, उसका हेयर मास्क यूज़ कर लिया मिल्क एंड हनी का, सो सॉफ्ट भी रहेंगे और एट द सेम टाइम आपके लेस शाइनी और वो डैंड्रफ और ऑयल फ्री भी रहेंगे बाल. हाँ वॉश ऑफ करने है, वॉश ऑफ उसे हमेशा करने है. टेन मिनट्स वुड बी इनफ. आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं. मास्क क्योंकि आपने रोज़ यूज़ नहीं करना होता ना, मास्क आप अराउंड 7 डेज बाद यूज़ करें या 5 डेज बाद कर सकते हैं. उस दिन कंडीशनर शैम्पू आपने रोज़ यूज़ करना होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कंडीशनर भी आप रोज़ ना यूज़ करें, ऑल्टरनेटिव डेज पे ऑल्टरनेटिव वॉशेज पे यूज़ करें, ठीक है. अब होता यह है नॉर्मली कि गर्मियों में हमारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं तो हम लोग कहते हैं रोज़ ही कर लो, लेकिन कंडीशनर ने भी तो बालों को एट दी एंड ऑफ द डे ऑयली करना है, ठीक है. सो हम उसे अल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करें और हेयर मास्क को हम कोशिश करें कि वीक में एक दफ़ा यूज़ करें. नहीं, सिंपल वॉश ऑफ करना है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर लैदर होता है तो वो उसे प्रोड्यूस करेगा. अब हमने इनके फेस पे स्क्रब लगाया है. स्क्रब क्या कर रहे हैं, इनकी डीप स्क्रबिंग करके एक्सफोलिएट कर रहा है ड्राई स्किन को, डेड स्किन सेल्स को जो आपकी सिर्फ ऊपर मौजूद है. और स्क्रब है क्योंकि इसके अंदर बीट्स हैं पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स के और वो आपके पोर्स में जाके जो एक्सेसिव डर्ट है, कोई पोल्यूटेंट है, कोई इस तरह की चीज़ है, वो उसे जड़ से नीचे से निकाल रहा है, पोर्स को क्लेंस कर रहा है. पानी के साथ टैप करके कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. आप लोग रोज वाटर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं. वैसे जस्ट स्प्रिंकल सम रोज वाटर ऑन योर फेस विद अ स्प्रे बॉटल. जो कलर प्रोटेक्ट का लीव इन ट्रीटमेंट है आपकी जो थोड़ी सी डायगनल शेप बॉटल है, आपने उसको क्या करना है, शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने के बाद जब आप लीव इन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं आपने उसे स्कैल्प पे नहीं यूज़ करना. स्कैल्प से आपने उसे तकरीबन 2-2.5 इंच नीचे यूज़ करना है, लेकिन हमारा जो क्योंकि कलर जो है वो यहाँ जड़ों से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, स्टिल इवन देन हम 4 इंच नहीं छोड़े, हम 2 इंच बाल छोड़े ऊपर से, क्योंकि जो लीव इन ट्रीटमेंट भी है आपने कोई भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो है जो कि एडिशनल है तो आपने अपने कभी भी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना होता. स्कैल्प पे जो आपका ट्रीटमेंट अप्लाई होगा आपकी जड़ों को उतना ही कमज़ोर करेगा और सफ़ेद करेगा बालों को जल्दी. सो आपने कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट कभी भी अपनी जड़ों पे अप्लाई नहीं करना होता. जो भी आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करना है 2.5 इंच बाल छोड़ के नीचे अप्लाई करें और उसको वैसे ही आप लगा रहने दें. और अगर आपको लगता है कि आपके बाल एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो उसे वॉश ऑफ कर दें, अदरवाइज अगर आपके बाल मेरी तरह नीचे से ड्राई हैं तो आप उसे लगा रहने दे सकते हैं. सो इट इज फाइन, वो उसको शाइन ही प्रोड्यूस करेगा, उसे खराब नहीं करेगा बालों को. मैंने आज तक ऐसे कोई जेंट्स नहीं देखे जिन्होंने लीव इन ट्रीटमेंट यूज किया. करते हैं वो, कैसे करते हैं, लेकिन स्कैल्प पे लगाना नहीं होता ना, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल बालों पे लगानी होती है. सो वो इस तरह कर सकते हैं कि शायद मे बी पोर्स पे हाथों की सिर्फ उंगलियों के सामने वाली उसमें सिंफिकेट है उस पर लगा के ऊपर से सिर्फ कर दें.
शाइन बहुत अच्छी आती है, उससे बाल आपके एकदम सेट रहते हैं, बिल्कुल सेट रहते हैं. लेकिन आपने कभी भी उनको अप्लाई नहीं करवाने देना अपनी स्कैल्प पे, क्योंकि वो बॉलनेस के करीब जाते हैं. ठीक है, आप बॉलनेस को करते हो जब आप कोई भी चीज़ अपनी यहाँ लगा रहे हो, रूट्स को स्पेशली. हाँ, लगा रहने दें. वो वही मैंने आपको बताया, जिनके बाल ऑलरेडी एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करें, वो उसे वॉश अवे कर दें, क्योंकि वो भी क्या करेगा, ऑयल प्रोड्यूस करेगा, ग्रीसी होता है ना बेसिकली नेचर. और जिनके बाल ड्राई हैं वो उसे लगा रहने दें. सो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये आपकी ऑलरेडी स्किन टाइप पे या हेयर टाइप पर होता है. टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे मोल्ड कर लेते हो. जैसा अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आज आपने शैम्पू करना है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है ग्रीसी ऑयल वाले शैम्पू पे लव नेचर का, नेचर सीक्रेट्स का जो है कि फॉर डेली यूज़, तो आपने उसको उसे पढ़ के क्यों डेली यूज़ करना है जबकि आपके आज बालों को ज़रूरत ही नहीं है. सो इट्स लाइक कि आपने कैटलॉग को फॉलो करना है उस हद तक जहाँ तक आपकी स्किन टाइप डिफाइन हो गई है, आपका एज ग्रुप डिफाइन हो गया है, या आपकी वो नीड डिफाइन हो गई है. उसके बाद आप उसको खुद अपने से प्ले अराउंड उसके साथ कर सकते हैं. जी मैम, वो डैंड्रफ का ऑयल है. डैंड्रफ जो इटसेल्फ है, जो डैंड्रफ फ्लेक्स हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने उन्हें ग्रीसी वाला नहीं देना शैम्पू, ग्रीसी वाला नहीं देना, आप उन्हें एंटी डैंड्रफ वाला दें. आप उन्हें वीट एंड कोकोनट भी दे सकती हैं. सो दैट इज वेरी गुड. वो क्या करेगा, एक तो उनकी ये चीज़ के फ्लेकीनेस को ख़त्म करेगा, दूसरा ये कि उसे ग्रीसीनेस को कंट्रोल करेगा. जब फ्लेकीनेस नहीं होगी तो आपकी ग्रीसीनेस ऑटोमेटिकली नहीं आएगी. जो आप बात कर रही है ना, वो फ्लेकीनेस डैंड्रफ, जो वो ग्रीसीनेस है, डैंड्रफ वाली ग्रीसीनेस है. एक आपकी होती है सिंपली ग्रीसीनेस विदाउट डैंड्रफ, जो कि हमारे सर में आ जाती है मोस्टली इस एरिया में, जिसकी ऑयली स्किन होती है. लेकिन जिसकी फ्लेक्स के बाद डैंड्रफ, फ्लेक्स के बाद ग्रीसीनेस आ रही है, वो उसको आपने डैंड्रफ वाला हमेशा देना है, क्योंकि उसकी वो ड्राई स्किन की वजह से वो जा रही है. वो उनके ऑयल जो है वो एक्सेसिव ऑयल डैंड्रफ के फ्लेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा, अब हम इनका मसाज करें. अब हमने सबसे पहले इसे किया क्लेंज, और फिर हमने इसे किया स्क्रब, और अब हम करें मसाज. हम स्क्रब के बाद हमेशा मसाज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी स्किन हुई होती है हाइपर, हमने उसे रिड्यूस करना है, काम डाउन करना है. एक तो ये इसका बेनिफिट है. दूसरा इसका वे ऑफ यूजेज एट थर्ड पोजिशन इसलिए है क्योंकि इसके जब आपके पोर्स ओपन हुए होते हैं, ऑलरेडी आपने इसके ऊपर क्लेंजिंग की हुई, आपने इसके ऊपर स्क्रबिंग की हुई, आपके पोर्स जो है वो ओपनड है, तो ये राइट टाइम है कोई भी मसाज क्रीम का, ताकि जिल्द के अंदर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए और पीएच लेवल को वो मेंटेन करते, वो नॉर्मलाइज करते. सो हम मसाज हमेशा एक्सटेंसिव करते हैं, प्रेशर पॉइंट्स पे करते हैं. प्रेशर पॉइंट्स के साथ हम इसलिए मसाज करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन के अंदर, वो टेंडेंसी पूरी फुलफिल कर दे उसे. सो मुझे ऑलरेडी सिर्फ इनका स्क्रबिंग ही देख के इनकी स्किन काफ़ी बेहतर, पहले से नरिश्ड महसूस हो रही है. आई एम श्योर आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा. सेम यही है, आप इसकी इसी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड रोज को, वो ड्राई स्किन के लिए ना बेसिकली आप, लेकिन वो नॉर्मल डे के लिए है, नॉर्मल रेगुलर वॉशेस के लिए. ये आपने सिर्फ फेशियल सेट्स में लेना है ये वाला क्लेंजर. वो वाला आप क्लेंजर किस तरह यूज़ करेंगे, जिस तरह मसाज इन्होंने किया वैसे ही आप क्लेंजर यूज़ करेंगे, लेकिन वो आपका डेली है, सुबह और शाम आप दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं. ये आप महीने में एक दफ़ा या महीने में दो दफ़ा फेशियल करा सकते हैं. पानी के साथ आप हमेशा जो है क्लेंजर पानी के साथ यूज़ करेंगे, कभी भी कॉटन के साथ नहीं यूज़ करेंगे. कॉटन ने तो इसे एब्जॉर्ब कर देना है ना, तो हम चाहते हैं कि आपकी वो स्किन में एब्जॉर्ब हो. सो हम पानी के साथ उसका मसाज करेंगे, उसे फिर देन वाइप ऑफ कर देंगे. टोनर को हमेशा कॉटन के साथ यूज़ किया जाता है. हाँ नहीं है, तो मैं यही बता रही हूँ, टोनर को हमेशा आप करेंगे कॉटन स्वैब के साथ, क्लेंजर को आप नहीं करेंगे कॉटन स्वैब के साथ, क्योंकि आपका मकसद क्या है बेसिकली. कॉटन स्वैब से आप क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं डेड स्किन को, लेकिन जब तक आपकी ऑलरेडी जज़ब ही नहीं हुआ होगा स्किन के अंदर, वो चीज़ एक पार्ट ही नहीं बनी होगी, तो आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं. सो लेट इट स्टे ओवर देयर फॉर सम टाइम, और वो अपना एक्शन कंप्लीट करके देन आप उसे बेशक कॉटन स्वैब से उतार लें, लेकिन अप्लाई आप कॉटन स्वैब से मत करें.
कॉटन स्वैब से आप हमेशा वो चीज़ें अप्लाई करते हैं जो कि टारगेटेड जगहों पर करनी होती हैं, मोस्टली जो डर्मा की चीज़ें होती हैं वो आप कॉटन स्वैब से अप्लाई करते हैं। तो अब इनका बहुत अच्छा एक मसाज हो रहा है। और हाँ, मसाज में मैं आपको एक बता दूँ बात कि क्लेंजिंग और मसाज आप ये नेक पे कराते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग स्क्रबिंग नेक पे नहीं करते। स्क्रबिंग आपने नेक से अवॉइड करनी है, क्योंकि नेक पे जो आपके पोर्स होते हैं वो ऑलरेडी क्लोज्ड होते हैं, दे डू नॉट नीड टू बी एक्सफोलिएटेड डीपर। सो आप स्क्रबिंग नेक पे अवॉइड करेंगे, सिर्फ फेशियल जो फेस तक है आपकी, फेस कट तक, इस पर आप स्क्रब करेंगे। और इनका फेस बहुत ही नीट लग रहा है, आई एम श्योर इनको बहुत खुशी होगी अभी देख के। आप लोगों को भी डिफरेंस आई एम श्योर नजर आ रहा होगा। बेस्ट मेथड वैसे ये होता है कि आप फेस को वॉश ऑफ कर लें, पानी से धो लें, लेकिन क्योंकि अभी लिमिटेड हमारे पास है चीज़ें, सो हम फेस को जाके वो टैप वाटर से नहीं करवा सकते, धुलवा नहीं सकते। वरना अच्छा होगा कि अगर आप जितना फेस को वॉश करेंगे ना विद वाटर, वो कंप्लीट उसकी सारी चीज़ें निकल जाएगी जो भी आपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाए। स्क्रबिंग के बाद आप अगर किसी के ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं, उससे आप वो जो नीडल होती है उसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्रबिंग के बाद क्योंकि आपकी स्किन के पोर्स जो ओपन हुए होते हैं उससे आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं, फिर उसके ऊपर आप मसाज अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मसाज में भी आप लोग ब्लैक हेड्स वाले वो नीडल यूज़ कर लेते हैं और इसे रिमूव कर लेते हैं। अब इस पर हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं। सो मास्क के अंदर भी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है दोनों में से, जो आपका ऑयली स्किन के लिए मास्क होगा ना वो हमेशा आपका ड्राई आउट होगा, वो ड्राई हो जाएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन जो आपका ड्राई स्किन का मास्क है वो कभी ड्राई नहीं होगा, वो आपकी फेस के अंदर एब्जॉर्ब होगा। सो ये दोनों चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं, जब भी आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो आप अपनी स्किन टाइप पे, तो आपने अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने इसका ट्रॉपिकल फ्रूट्स वाला लेना है, क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने उसके ऊपर वो वाला मास्क लेना है जो आपकी स्किन पे ड्राई होगा, ठीक है। सो हम ये मास्क बस सिंपली अप्लाई कर रहे हैं इन पे। क्लेंजिंग ज़्यादा कर रही हैं, या तो क्लेंजिंग का टाइम उन्होंने ज़्यादा किया है, या तो टोनर जब वो यूज़ कर रही हैं तो वो बहुत हार्शली उसे रिमूव कर रही हैं। और उन्हें ये भी कर सकती हैं कि मे बी कॉन्सेंट्रेटेड सीरम वो ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, छोटी है ना उसकी बिल्कुल पैकिंग सबसे ज़्यादा, वो उतना ही कम यूज़ होना है क्योंकि वो फेस के ऊपर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैंने भी ब्राइट सप्लाई यूज़ करती हूँ, उसके अंदर मैं मुझसे भी अक्सर हो जाते हैं कि ज़्यादा लगा लेती हूँ ना, क्यों लगा लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्किन के ऊपर सही तरह लगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है, उसके अंदर मसला ये होता है क्योंकि वो फ़ौरन एब्जॉर्ब होता है, सीरम तो फ़ौरन एब्जॉर्ब होता है, फ़ौरन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो करना ये है हमने कि उसको अगर वो ज़्यादा ड्राई आउट हो रही है तो उनसे कहें डे क्रीम जो है वो ज़रा अच्छा, उसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लें अगर जितनी अभी कर रही हैं, और जो है वो क्लेंजर जो है वो कम यूज़ करें, क्लेंजर ज़्यादा डीप क्लेंस ना करें, सिंपली लाइक 20 सेकंड्स के लिए क्लेंस करें, दैट्स इट। या सीरम उन्होंने एक्सेसिव यूज़ कर लिए, लेकिन आपको उनकी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करानी चाहिए थी। क्रीम ना बंद कराएं, क्योंकि क्रीम क्या कर रही है, मॉइस्चराइज कर रही है। तो अगर ऑलरेडी आप बता रही हैं ड्राई हो रही है तो क्रीम तो मस्ट लगी रहने दें, वो जाने दें, आई क्रीम भी ज़रूर यूज़ करवाती रहें, ठीक है। सो आई क्रीम डे क्रीम ये दोनों यूज़ करवाती रहें, साथ अगर आप बता रही हैं कि ज़्यादा हो रही है तो वो क्लेंजिंग थोड़ी मुझे लगता है कि उन्हें कम करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्लेंजिंग से आपके क्या होता है कि ऑयल जो है वो एक्सेसिव निकल जाता है स्किन का क्लेंजिंग से। सो क्लेंजिंग के लिए जो है थोड़ा सा इस तरह देखना पड़ता है, उसे कम क्लेंजिंग करा सकती हैं। आप ये कह सकती हैं सुबह के वक्त क्लेंजिंग करो, शाम के वक्त बेशक ना करो क्लेंजिंग, ये भी कह सकती हैं, लेकिन डे क्रीम नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ करें।
सो अब हमने इनका मास्क अप्लाई किया और हम लोग तकरीबन 5 मिनट्स तक वेट करते हैं. सो थोड़ा सा ये जब एब्जॉर्ब होने लग जाएगा फिर हम इसे रिमूव कर लेंगे. तब तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज़ पूछ लें. डिपेंड करता है. बड रॉक का जो मुझे है वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है. हेयर एक्स का मेरे लिए ठीक रहता है. कुछ लोगों को हेयर एक्स सूट करता है और बड रॉक नहीं करता. कुछ लोगों को बड रॉक सूट करता है, हेयर एक्स नहीं सूट करता. सो मैंने अगर अपना यूज़ किया वो वैसे तो स्किन को वो कर देता है सही, लेकिन ड्राई कर देता है नीचे से एंड्स. सो डिपेंड करता है, आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं. उसके साथ जो एक टॉनिक है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं? जैसे हेयर टॉनिक है उसके के साथ ही एक क्या चीज़ है? वो भी ट्रीटमेंट है ना आपका. जो आप ट्रीटमेंट जो होते हैं बेसिकली वो भी आपकी मास्क वाली बॉटल में है ना. अब उसका जो ट्रीटमेंट मास्क वाली जो बॉटल में है वो भी आपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, आपने स्कैल्प के नीचे नीचे तक अप्लाई करना है. ठीक है. सो क्या करेगा वो, नीचे वाले बाल आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे और स्ट्रेंथन रहेंगे. आपने कोई भी चीज़ जो होती है सिवाय शैम्पू के आपने अपनी स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना होता, क्योंकि वो वही बात है कि वो आपकी रूट्स को वीक करेगा. डायमंड सेल्यूलर मैम, डायमंड सेलुलर की बिल्कुल एक प्रीमियम जो हमारी रेंज बनी है, सेलुलर नाइट ट्रीटमेंट और डे ट्रीटमेंट जो है. अब इसके अंदर हम ये करेंगे 45 प्लस की खातून के लिए है, लेकिन वो पूरा आपके पास सेट अवेलेबल नहीं है. अगर हम नोवेज की बात करें तो नोवेज का हमारे पास पूरा सेट अवेलेबल है, लेकिन नोवेज का जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग स्किन के लिए, जिसकी स्किन जो है ना बहुत सेंसिटिव होगी तो उसे ये मसला देगा. लेकिन क्योंकि ये 3 मंथ्स में हम कहते हैं कि ये इसकी सैगिंग जो है 7 टाइम्स कम हो जाएगी. सो क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है, नोवेज कॉन्सेंट्रेटेड है. लेकिन वो लोग जो कि जिनकी स्किन जो है सेंसिटिव है और रिएक्ट कर जाती है जल्दी, जिनको पूरी ये डे क्रीम की ये रूटीन नहीं सूट करी, वो डायमंड सेलुलर लेगा. क्योंकि एज साइकिल जो है वो आपका सेम है, 45 प्लस है. सो एक कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है आपके पास और एक आपके पास माइल्ड चीज़ है. हमने दोनों स्किन्स को लेकर चलना होता है. एक सेंसिटिव स्किन होती है आपकी और एक नॉन सेंसिटिव यानी नॉर्मल स्किन होती है. सो उसके लिए आप 45 प्लस के लिए आप वो कर लेंगे. नहीं, आप क्लेंजर, आप कोई भी नॉर्मल क्लेंजर, आप बेशक नोवेज का क्लेंजर यूज़ कर लें, उसका इफेक्ट नहीं है कुछ इस तरह, क्योंकि उसका कोई क्लेंजर ही अवेलेबल इन नेचुरल जो है वो नहीं है. वो अभी कौन सा क्लेंजर आप लोग यूज़ करवाते हैं नॉर्मली? क्लेंजर तो डेफिनेटली नहीं. आप रॉयल वेलवेट यूज़ कर सकती हैं उसके साथ. वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया. कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो आपको डायमंड सेलर वाली आप क्लाइंट है तो आपको नोवेज भी सूट नहीं करेगा. किया आपने नोवेज क्लेंजर? नहीं करेगा. आप सिंपली ये वाला कर सकती हैं, इनमें से कोई भी क्लेंजर यूज़ कर सकती हैं. हाँ, लव नेचर का वाइल्ड रोज यूज़ करती हैं. हाँ, सिंपल आप वो यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है. आपको दोनों ही वो क्लेंजर एक ही सूट किया तो नॉनवेज का भी कभी सूट नहीं करेगा. सो आप उसको इस तरह ले सकती हैं, क्योंकि डायमंड सेलर का कोई हमारे पास है ही नहीं. हेयर एक्स का जो रीस्टोर थेरेपी है उसकी आजकल बहुत कंप्लेन है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं उस रीस्टोर थेरेपी की. ओके, चलें ये मैं पूछ लूँगी इस बारे में. बहुत ज़्यादा ये बैठी हुई है. अच्छा, आप बैठी हुई हैं. आप हेयर एक्स किस तरह, कौन सा रीस्टोर थेरेपी यूज़ कर रही हैं? शैम्पू एंड कंडीशनर विद हॉट ऑयल? ठीक है, चले. मुझे अंदाज़ा हो गया. एक्चुअली ये सीज़न भी ऐसा है कि ना नॉर्मल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है. मेरा खुद हेयर फॉल हो रहा है. जितने भी आप जितने भी टोटके वगैरह इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला वेदर है ना, बरसात के मौसम में निकलते ही हैं बाल. लेकिन अगर आप कह रही हैं कि उससे आपके ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप छोड़ दें वो यूज़ करना भी ना. और कंडीशनर तो वैसे जिन लोगों को मसला है ऑलरेडी हेयर फॉल का, वो कंडीशनर्स को अवॉइड किया करें, क्योंकि कंडीशंस जो है आपकी जो है वीक करते हैं रूट्स को. आपने वो हमेशा नीचे नीचे अप्लाई करना होता है जहाँ आपका इफेक्ट ना हो ऊपर. सो आप उसे अभी अवॉइड करें. आपको सिंपल जैसा मिल्क एंड हनी है वो यूज़ कर लें. रफ फ्रिजी हो जाते हैं बिल्कुल. सो यही मैं आपको कहूँगी कि आप अभी उसे स्टॉप करें और आप मिल्क एंड हनी कंटिन्यू करें. जहाँ मिल्क एंड हनी इज़ वेरी सेफ. आप कह रही हैं कंडीशनर यूज़ ना करें, लेकिन जहाँ खारा पानी होता है वहाँ ये कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना पड़ता है. लेकिन वही बात, कंडीशनर आपने नीचे के बालों पे यूज़ करने हैं, ऊपर आपने 4 इंच बाल छोड़ देने हैं.
एक मेरे पास एक क्लाइंट है, उनकी स्किन वैसे तो पिंपल्स हैं लेकिन जब वो कोई ट्रीटमेंट यूज़ करती है तो ड्राई हो जाती है। जब कोई ट्रीटमेंट लेती है तो वो ड्राई हो जाती है और वैसे उनकी स्किन पे पिंपल्स हैं, तो यानी बेसिकली उनकी ड्राई स्किन है, ठीक है, ड्राई स्किन पे पिंपल्स हैं। तो आप उन्हें जो है कोई भी एलोवेरा वाला दे सकती हैं, ठीक है, क्लेंजिंग जेल और उसका वो जो है सारी चीज़ें क्रीम भी उसकी दे सकती हैं, लेकिन आप ये करें कि उन्हें SOS पॉट जेल दें और मास्क उन्हें दें प्योर स्किन वाला, ठीक है, और मैटिफाइंग लोशन भी बेसिक इसका यूज़ करा सकती हैं, उसका कोई हार्म नहीं है। बेसिकली मेरा ख्याल उनकी एक्ने वाली स्किन है लेकिन जब वो कोई ट्रीटमेंट लेती है वो ड्राई हो जाती है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि बेसिकली उनकी ड्राई स्किन है, उनकी ड्राई स्किन पे एक्ने है, उनकी ऑयल स्किन वाली एक्ने है ही नहीं। सो आप उन्हें एलोवेरा वाला यूज़ करवाएं सारी चीज़ें, उसके ऊपर SOS पॉट जेल यूज़ करवाएं और मास्क यूज़ करवाएं, आई एम श्योर वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी उनकी स्किन। क्योंकि वो बेसिकली यहाँ तो नरिश नहीं करती अपनी स्किन को, क्योंकि एक स्टेज आ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं स्किन के, तो आपकी हाइड्रेशन जो हाइड्रा पावर है इंटरनली वो आप ख़त्म कर देते हैं। सो फेस पे क्योंकि उनकी बाकी स्किन नॉर्मल है तो मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर वो कोई फेशियल करवा रही हैं, कोई पॉलिश वगैरह करवा रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, वो उन्हें मे बी यूज़ ना कोई सही ना बैठ रही हो। सो क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करें स्किन को, डे क्रीम नाइट क्रीम से मॉइस्चराइज करें, फेस क्रीम बेशक ले लें एसेंशियल्स फेयरनेस की, वो तो इतनी प्रिटी सेफ है कि वो एक्ने वाली स्किन भी जो है उसको आराम से वो कर लेती है, वो सेंसिटिव स्किन भी उसे कर लेती है। हाँ ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। सो आप उन्हें सिंपली एसेंशियल्स की जो है फेस क्रीम देते हैं बेशक। हाँ, एक्ने वाली ड्राई स्किन के लिए आप SOS पॉट जेल वो सिर्फ टारगेटेड एरियाज पर लगाएं, इसके अलावा उसका मास्क वो यूज़ कर सकते हैं प्योर स्किन का मास्क सिंपली। सो ये अब हमारे पास एक बहुत ही रिफ्रेश्ड और हेल्दी खातून खड़ी हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले उनकी स्किन बहुत थोड़ी मुरझाई लगी थी। आई एम श्योर सिर्फ ये मेरे कमेंट्स नहीं हैं या सबके कमेंट्स हैं, व्हाट डू यू से, फील हो रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और बीनिश कहाँ गई? ओके बीनिश, थैंक यू सो मच। बेसिकली बीनिश जो है ये खुद कंसल्टेंट नहीं है, इनकी डॉटर जो है वो कंसल्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच बीनिश, एंड आई एम श्योर कि अब आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करेंगी। आई थिंक कि आपने फर्स्ट टाइम यू यूज़ किया है कोई चीज़ ओरिफ्लेम की, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? ओके, बेसिकली हम क्योंकि ये भी सुनते हैं अक्सर कि जो भी कोई फेशियल के ऊपर मुंह पे चीज़ लग रही है, पर्सनली भी फील करते हैं कि गर्म हो रही है स्किन, ठीक है, वो गर्म इसलिए हो रही होती है क्योंकि उससे आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक नहीं होती। लेकिन जब आप लोग इसका फेशियल लेंगे लव नेचर का, जो आपके पास जो ऑर्गेनिक किट्स मौजूद हैं, तो आपको स्किन गर्म नहीं महसूस होगी बल्कि आपको सॉफ्ट ज़्यादा महसूस होगी और ठंडी ठंडी महसूस होगी, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किन के साथ रगड़ खा के एक इमोशन आके वो गर्म कर रही है स्किन को, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। आपकी स्किन सिंपली क्या कर रही है, एक हाइड्रेटेड एक नॉर्मल ऑर्गेनिक चीज़ ले रही है। सो आई थिंक हम यहाँ कंक्लूड करते हैं और आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर सुफियान इफ ही हैज सम वर्ड्स टू से विद यू। ओके, थैंक यू सो मच गुल, कैसा रहा आप लोगों का सेशन? वेरी गुड। देखिए, हम इधर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हम लोग हर लिहाज से सोचते हैं कि किस तरह आप लोगों को सपोर्ट किया जाए। ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है सिर्फ इस एक ट्रेनिंग तक महदूद नहीं है। अगर आप लोगों की डाउनलाइंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेल डाउनलाइंस हैं, अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स हैं और आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की दोबारा, चाहे वो दो हफ्ते बाद हो, तीन हफ्ते बाद हो, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं गुल को, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। अगर आपके पास इतना रिस्पांस है तो विद इन लेट्स से उस वक्त तो नहीं पर 15-20 डेज में हम दोबारा एक ट्रेनिंग रख सकते हैं। या अगर आप लोग अपने वेन्यू पे, अपने SPO पे, अपने घर पे कहीं रखना चाहें कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स हैं और हम चाहते हैं आप लोग आएँ, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना सही किसी और चीज़ पर ट्रेनिंग दे दें, तो उसके लिए भी वी आर रेडी टू सपोर्ट, ठीक है।
तो दिस इज़ नॉट जस्ट वन स्टेप, दिस इज़ अ होल चैप्टर. ठीक है, आप लोगों को जब भी किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग बिल्कुल हमारे फेसबुक पेज पे आएँ, पूछें फेसबुक पेज पे. तो अगर वो क्वेश्चन फहाद होते हैं, उनको भी एजुकेटेड है वो इस प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, हाँ गुल के लेवल तक नहीं पर काफ़ी हद तक, अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे तो गुल तक क्वेश्चन आएगा. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज़ कि आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए हम लोग हैं, बट यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड अपनी चीज़ों के साथ. अब वो एरा ख़त्म हो गया है जहाँ चीज़ें बस दे दी जाती थी या बेच दी जाती थी. अब रीऑर्डर के लिए, रीकन्फर्मेशन के लिए, री कंसल्टेंसी के लिए आप लोगों को बहुत स्ट्रांग होना है. तो इस तरह हमने शुरू किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर आप लोग डाउनलाइन डिफरेंट शहरों में हैं तो उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पिंडी नहीं है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, अभी हम लोग गुजरात से आ रहे हैं, उससे पहले हमने सियालकोट कवर किया है, इससे आगे हम वाहकेंड जाएंगे, उससे आगे पेशावर जाएंगे. तो अपनी डाउनलाइंस को भी स्प्रेड करें डिफरेंट शहरों में, ठीक है, अपना वर्किंग को भी स्प्रेड करें, जितने आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी स्प्रेड करें, और जब आपको हमारी सपोर्ट चाहिए वो होगी. अब अपना इवेंट क्लोज करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने स्टार्ट किया था. जो लोग स्टेज पर आए थे पहले वो दोबारा आ जाए.